जो कल से 6 जनवरी से जो रिस्ट्रिक्शन लागू होगा गौतम बुद्ध नगर में 1000 एक्टिव केस होने के वजह से, एक तो नाइट कर्फ्यू 10 बजे से लेके 6 बजे तक सुबह तक रहेगा, और जितनी भी दुकान है या शॉपिंग मॉल है वहाँ पे एक अभियान चलाया जाएगा, मास्क नहीं तो सामान नहीं। तो इसके लिए व्यापार कर विभाग को नोडल बनाया गया है, तो ये सारे आम जनता को एक मास्क पहनने का और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करने के लिए प्रचार प्रसार कराया जाएगा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम और निगरानी समितियों को एक्टिवेट की गई है। RWS EOS से निरंतर चर्चा करते हुए अगर कोई सिम्टोमेटिक व्यक्ति है जिनको कोई चिकित्सा की आवश्यकता है तो उसको उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क तथा जिम्स को कल से फिलहाल के लिए 14 तारीख के लिए अभी बंद रखा जाएगा, और जितने भी रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल है उनमें 50% क्षमता तक के लिए लोग अनुमन्य रहेंगे, उनको कोविड हेल्प डेस्क रखनी होगी और सैनिटाइजर और बाकी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको पालन करना पड़ेगा। सर ये जिम और क्या बताया आपने 14 तारीख तक? सिनेमा हॉल तथा वो बंद जो रहेगा वो स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम बंद रहेगा, और जो 50% क्षमता में आपके रेस्टोरेंट है सिनेमा हॉल रहेगा, और 10वीं कक्षा तक 6 जनवरी से 14 जनवरी तक जो फिजिकल स्कूल्स है वो बंद रहेगी। और यहाँ IT सेक्टर की कंपनीज के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो वर्क फ्रॉम होम प्रोत्साहित करें, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों को ऑफिस आने की आवश्यकता रहती है तो उनको रोका नहीं जाएगा, ना ही उनको कोई पास की आवश्यकता है, परंतु वर्क फ्रॉम होम जितना ज़्यादा हो सकता है उसको प्रोत्साहित उनके जो एसोसिएशन है NASSCOM है और IT सेक्टर की कंपनी से उनके माध्यम से किया जाएगा। अगले 10 दिन के अंदर 100% वैक्सीनेशन डबल डोज करने का हमारा लक्ष्य है, और अभी जो शासन ने निर्णय लिया है 15 से 18 के आयु वर्ग के जो बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए, तो वो लगभग 1,15,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं या उस आयु वर्ग के लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन हमें करना है, उनमें भी प्रगति तेज़ी से हम लोग कर रहे हैं, तो जनवरी 20 तक वो भी कंप्लीट करने के लिए है। जनवरी 10 के बाद हम लोग बूस्टर डोज जो फ्रंटलाइन वर्कर्स या हेल्थलाइन वर्कर्स जो इलेक्शन में भी जो इन्वॉल्व होंगे उनको वैक्सीनेशन लगाएंगे।